हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, आर मायसेल्फ अभिषेक कुमार, फाउंडर ऑफ जनता ग्रुप। बेसिकली माय ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन द फील्ड ऑफ आईओटी एआई एंड रोबोटिक्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्रिंस आरन, हेलो, माय नेम इज प्रिंस आनंद and I'm currently student at IIM Rohtak pursuing BBA and MBA. I'm from okay, Bihar, so. Nalanda. So finally you got admitted? Yes sir, thank you for that. Okay. Amit Kumar? Yes sir, hello everyone. I am myself Amit Kumar. I am currently pursuing BTech from BIT Sindri and that's all. Okay, thank you. आदित्य कुमार, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य कुमार एंड आई एम करेंटली परसुइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम टेक्नो इंडिया। थैंक यू। दीपेश कुमार, आई गॉट डिसकनेक्टेड, आई थिंक गॉट डिसकनेक्टेड। किशार, प्लीज इंट्रोड्यूस। Hello everybody. My name is Shad. I'm from Jamshedpur, Jharkhand, and basically I'm a freelancer online offline application designer, and my startup name is mutebreak.com. It's a online magazine and journal creating application for school, colleges, students, and for journalists, activists, and others. Okay, thank you. Amit Kumar. Yes. I introduce myself. Oh, okay. No, Manoranjan Mishra. Yes, sir. I am Manoranjan Mishra. I am currently pursuing BTech from BIT Sindhi, Dhanbad. Okay. तुम्हारा भी हो गया था ना? Yes. सूरज कुमार, yes sir. Hello sir, my name is Suraj Kumar and I am from Technomin Salt Lake sir, currently pursuing computer science engineering in second year sir. Okay, thank you. Oru Nan, is this your real name or? yes sir, that's my real name. Hello everyone, I am Oran, pursuing Kolkata, and I am currently pursuing MBA in digital business from IIIT Lucknow. And my startup name is Coordinate Academy, which is currently an edtech platform for everyone. Okay, thank you. Thank you. Okay, Kamal ma'am, please. Hi, I'm Kamal. I just completed my EGMP from IIM Bangalore, and I'm starting to work with Vishal on his venture. Okay, thank you. I think Nandan, you are still not connected. Okay, so never mind. Let's hear from Nandana. Can you hear me? तुम्हारी voice break हो रही है, maybe ना तुम्हें phone change करना होगा या sim change कर, I don't know, मतलब connection change करना होगा. क्या अभिषेक, तो तुमसे आते हैं. Yes sir. Okay. So आज हम लोग mainly discuss करते हैं कि startup में क्या problems है, उसके क्या सोल्यूशन है. सो आई थिंक वी वॉन्टेड टू डिस्कस नंदन्स प्रॉब्लम, बट आई थिंक हिज कनेक्शन इज नॉट वेरी गुड सीम्स. सो वी कैन ट्राई, आई मीन वी कैन जस्ट रीहियर फ्रॉम एवरी वन वॉट आर द प्रॉब्लम्स यू थिंक आर द प्रॉब्लम्स इन स्टार्टअप. सो अभिषेक, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टार्टअप का? मेरे हिसाब से तो वही है कि जब डाउनफॉल आता है तो पेशेंस लूज होने लगता है, और उस समय जो टिक गया तो फिर अच्छा हो जाएगा. तो लूजिंग पेशेंस. हाँ. ओके. क्योंकि स्टार्टअप में एक दिन में इस सक्सेस नहीं मिल पाता है, टाइम तो लगता ही है, क्योंकि इस साम्राज्य एक खड़ा करना है, दूसरे का बना बनाए पे तो है नहीं, जो भी करना है वो खुद ही करना है. टाइम तो लगता है. ओके, टाइम लगेगा.
सो ये जो ओवरनाइट सक्सेस का बात करते हैं लोग, मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है ना कि ये बंदा या ये स्टार्टअप 6 महीना साल भर में इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, तो तुम्हें क्या लगता है ये थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला हुआ है? वो नहीं हो पाता है ये स्टार्टअप में, मतलब जो अपने दम पे अगर बैक से इस सपोर्ट है, वो पैसा मिल रहा है तो अलग चीज हुआ, लेकिन एक आइडिया को लेकर कोई 6 महीना में चाहे कि वो बहुत बड़ा कर लेंगे तो नहीं होने वाला है। सो लैक ऑफ पेशेंस इज वन मेजर प्रॉब्लम। यस नन्न, तुम्हारी वॉइस ना ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा। ऑल्दो तुम्हारा कितना टाइम लग, सॉरी हां यस वो थोड़ा ट्रांसमिशन में स्लो था तो मुझे आवाज नहीं आई कि आप स्टार्ट कर चुके थे, तो मैं ये पूछ रही थी कि अप्रोक्सीमेटली आप सब कितना एक्सपेक्ट करते हो, कितना टाइम लगता है सक्सेस के लिए, मतलब कितना टाइम लगना चाहिए? ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टअप क्या क्या आपका आईडिया कैसा है? जैसे आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट में दम है तब तो मतलब तुरंत इनकम आने लगेगा, लेकिन आप किसी नया आइडिया को लेकर चलते हैं, रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, डिपेंड करता है आपका मतलब आइडिया के ऊपर कि आपका टोटली न्यू है कि ऑलरेडी किसी का किया हुआ कर रहे हैं। तो कितने दिन में दम तोड़ देना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? दम नहीं तोड़ना चाहिए, मेरे साथ तो बहुत बार डाउनफॉल आता है, लेकिन सोचते हैं कि एक समय अच्छा था फिर खराब हुआ फिर अच्छा होगा, और क्या दम क्यों तोड़ना। आपको ये नहीं लगता कि प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट तो एक मतलब एक चीज है, पर एक स्ट्रेटजी पे एक चीज है कि स्ट्रेटजी भी अच्छी होनी चाहिए, कि स्ट्रेटजी अगर नहीं है तो अच्छा खासा प्रोडक्ट बैठ जाता है? नहीं वो है स्ट्रेटजी या जो भी बोली हो, लेकिन देखिए एक मतलब जो स्टार्टअप जीरो से स्टार्ट होता है ना उसी को मतलब सब कुछ ही करना रहता है। इनफैक्ट वो बोलिए तो ऑफिस में झाड़ू भी उसी को लगाना है, मार्केटिंग भी उसी को करना है, हर चीज उसी को करना रहता है, बाद में जब आता है तो वो दूसरे को रख सकता है, तो वो क्या मतलब उस लेवल का प्लानिंग कर पाएगा। श्योर ठीक है, और एक और शार्क व्हाट यू आपने बोला प्रोडक्ट अच्छा, सॉरी जैसे आपने बोला प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपने अच्छा एक प्रोडक्ट बना लिया तो उसके बाद उसको स्ट्रेटजाइज भी तो करना रहेगा, जैसे उसके लिए भी तो पैसा चाहिए मैम। मार्केटिंग करने के लिए मान के चलिए कि हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को मतलब अच्छा तरीका से मार्केट तक ले जाने के लिए भी तो ये चाहिए, मतलब आपके पास ई कनेक्शन चाहिए। जैसे मेरा होम ऑटोमेशन है, ठीक है, हम लोग का एक प्रोडक्ट है होम ऑटोमेशन, हम लोग उसको 3500 रुपया में सेल करते हैं लोग, वही उससे थोड़ा सा ई डिफरेंट है एक्सेंचर का, वो 85,000 में सेल करता है, लेकिन लोग जो होंगे एक्सेंचर का ही परचेज करेंगे कि क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड हो चुका है, और हम लोग 35,000-5,000 में भी देंगे लोग तो लोग 5 बार ही सोचेंगे, तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक दिन में तो कोई जा नहीं पाएगा क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो फिर उसको रीच करने के लिए आपका कुछ प्लान, मतलब कुछ स्ट्रेटजी आप सोच रहे हैं? प्लान यही रहता है जैसे मेरे स्टार्टअप में कि सबसे पहले हम लोकल मार्केट पकड़ते हैं, कि स्टार्टिंग में ही हम सोच ले कि मतलब सिटी पकड़ ले, मेट्रोपॉलिटन पकड़ ले तो मुश्किल होगा, जब हम स्टार्ट किए थे तो लोकल मार्केट ही पकड़े थे, जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का, गांव लेवल का, उसके बाद ऑटोमेटिक जब वहां पे चला जाएगा आपका प्रोडक्ट तो शहर में अपने आप आ जाएगा। मैम कैन यू प्लीज एलैबोरेट कि स्ट्रेटजी से आप क्या कहना चाह रही हैं, लाइक इट इज स्ट्रेटजी टू एडवर्टाइज, स्ट्रेटजी टू बिल्ड द प्रोडक्ट, और स्ट्रेटजी टू
एंड मेक द मार्केटिंग स्ट्रेटजी और फाइनेंस स्ट्रेटजी की कैसे उसका फाइनेंसिंग करें. Go to market. See, product तो उन्होंने बना लिए. जैसे उन्होंने बताया कि if there's a good product, it will get people. It will sell. But it has to reach the people. People have to be aware. Product, एक तो होती है product strategy. वो तो already over है because we started from there that he has a good product. So go to market strategy. That was my question. Okay, let's hear from Ranjan Kumar Gupta. Ranjan, are you okay with your network? पहले सबका network check करना होगा. Your network yes, is your net worth. Yes, sir, I'm okay with network. Sir. You're okay. Right now I'm listening and right now I haven't any question. When I have got a question, seriously I'm asking. Yeah, नहीं नहीं. तो Ranjan, तुमसे मेरा question है. तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा problem क्या है startup का? सर मेरे हिसाब से स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का ट्रस्ट, क्योंकि जब मैंने भी कुछ दिन पहले ही मैंने शुरुआत किया था तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा. तो और जब मैंने जो मेरा इन्वेस्टर था उसने सपोर्ट किया और उसका जब हेल्प आया तब जाके लोगों का एक ट्रस्ट आया. तो हमको लगता है कि इस उम्र में जब हम लोग सबसे बड़ी हमारी सर आप ही ने शायद कहीं बोला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 22-25 साल की उम्र में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, लोग सापसी सबसे ज्यादा देते हैं, इज्जत सबसे ज्यादा मिलता है, पर लोग ट्रस्ट ही नहीं करते कि भैया ये बंदा कुछ कर पाएगा. तो ये मुझे लगता है प्रॉब्लम है ये हमारे जनरेशन में, और मतलब जो हमारे लास्ट जनरेशन है. तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ अगर कोई बता पाए कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि अभिषेक जी ऑलरेडी इसके बारे में मतलब बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी भी है बाकी बिजनेसों में, तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए तो ताकि लोग मुझे ट्रस्ट करें, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट का पेटेंट होने के बाद, पेटेंट ग्रांट होने के बाद भी लोगों का बहुत सारा ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए. रंजन एक बार आप बताएंगे आपका प्रोडक्ट कौन सा, मैं थोड़ा नहीं हूं तो फिर मैं शायद मिस कर दिया. बेसिकली मैं मेरा भी एक जो प्रोडक्ट है, हम लोग वेस्ट से जितने अनसेग्रीगेटेड प्लास्टिक होते हैं या ये सारा पॉलीमर होता है उससे पेवा ब्लॉक टाइल्स ये सारे चीजें बनाते हैं. लास्ट 2 मंथ से हम लोग अभी KMDA का एक ऑर्डर है जिसको फुलफिल कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी हम लोग का ये क्या फैक्ट्री डोलागर में है, जो KMDA का ऑर्डर पूरा किया जा रहा है. बाकी उस प्रोडक्ट को मैं और कहीं इसको दिखाने ले जाता हूँ तो लोगों का बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू आता है, नहीं 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 अभी हम इसके ऊपर कैसे कर ले, क्या है क्या नहीं है, तो बहुत इशू होता है फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब मेरा एक और ये है कंपनी है जो कि ऑलरेडी अभी संजेवियर में हम लोगों ने स्पॉन्सर भी किया हुआ है, वाह फुचका करके, जो अभी 70+ टाइप का फुचका सर्व करते हैं जिसमें चिकन फुचका, चिकन कीमा फुचका, बटर कॉर्न, चॉकलेट, 500 फुचका, लॉट ऑफ फुचका उसको. जब मैं इसको जब बनाने से पहले मैं लोगों से बात करता था, लोग ट्रस्ट ही नहीं करता था, तो ये सारी चीजें होती है और बहुत ज्यादा घसीटना पड़ता है अपने आप को. तो कम घसीटना पड़े, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है इन लोगों पर, थोड़ा कम करना पड़े और ज्यादा इसका आउटपुट निकले, इसके लिए क्या कर सकते हैं. और लास्ट टाइम मैम ये भी हुआ था, जब मैं कोरोना का ये पूरा सिनारियो चल रहा था तो हमने एक ब्रांड के साथ मिलकर एक काम किया था सैनिटाइजर बनाना, ऑलरेडी हम लोगों ने तो उस सैनिटाइजर बना के सेल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो पार्टनर थे हमारे वो सारे ऑलरेडी एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो हमने बहुत अच्छा टर्न ओवर भी किया और उस माल को हम लोग बांग्लादेश भी गया था, वो एक्सपोर्ट हुआ, कुछ माल आपको कई मेट्रो में भी लगा, तो वहां पे हमें ट्रस्ट इशू नहीं आया. लेकिन जब हम खुद से करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा लोगों का ट्रस्ट इशू आ जाता है, कस्टमर का कि नहीं नहीं जैसे इन्होंने अभी शेख जी बोल रहे थे ब्रांड के ऊपर, तो ये कैसे इसको ओवरकम किया जाए, तो ये एक्चुअली मेरी क्वेश्चन थी मैम. तो आपने सेकंड क्या बोला था, वो चिकन और वो सब, वो अलग प्रोडक्ट है. मेरा जो दूसरा स्टार्टअप वो फुचका के ऊपर है, फुचका तो गोलगप्पा पानीपुरी, गोलगप्पा पानीपुरी, करेक्ट करेक्ट, ठीक है. तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए सर? तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनिशियली थोड़ा कोलैबोरेट करना पड़ेगा आपको, जो थोड़े बड़े इसके साथ तो नहीं करिए क्योंकि फिर वो आपको टेक ओवर कर लेगा, तो थोड़ा मिड साइज होएगा अगर उसके साथ आप कोलैबोरेट करके करेंगे तो फिर थोड़ा आसानी से वो ट्रस्ट इश्यू बिल्ड होता चला जाएगा. करेक्ट करेक्ट. रंजन तुम्हें पता है ना हम लोग लाइक LWT कैसे अपना जी प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, राइट? सारे कॉलेजेस से टाई अप करके वो जो स्पॉन्सर करके या कंपटीशन का प्राइज. तो अब क्या हो जाता है, अब लेट्स से IIM बैंगलोर में एक इवेंट हो रहा है
और प्राइस हमारा है बट दिया जा रहा है आई एम बैंगलोर में, राइट? तो एक ऑटोमेटिक ट्रस्ट ये हो जाता है सिंस आई एम बैंगलोर, आई मीन दिस प्राइस इज गिवन बाय आई एम बैंगलोर का ईसेल या कोई भी बॉडी, सो आई एम बैंगलोर वुड हैव डन दैट होमवर्क टू चेक, ठीक है? तो दिस कैन बी ट्रस्टेड, ठीक है? तो ट्रस्ट फैक्टर यू कैन कॉल दिस अ रब ऑफ इफेक्ट, ठीक है? तो जितने आई मीन नॉन कॉम्पिटिटिव हो तो बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन से, इफ़ यू कैन टाई अप, जैसे तुमने बोला ना सेंट जेवियर से टाई अप किया, तो वहाँ पे अपना फुचका का अगर कूपन बंटवा दोगे तो लोग ले ना लें एटलीस्ट उस फुचका के बारे में जान जरूर जाएंगे कि हाँ कुछ तो है ऐसा जो जेवियर्स में हमें मिला है कूपन, तो मे बी वी कैन ट्राई ऑल्सो. तो ऐसे है, और आई थिंक प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा, जैसे आई थिंक तुम्हारा जो वो ब्रिक वाला बोल रहे थे कि वी यूज वेस्ट मटेरियल्स टू मेक अ ब्रिक, ये वो, अब नॉर्मल ब्रिक्स तो बनते हैं जो तरीके से बनते हैं, राइट? यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस द स्टेटस को प्रीटी मच, किया ना, इसके जगह आप ये यूज करो, अब वो बिल्डिंग गिर गया या कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यू बेसिकली हम लोग पेवा ब्लॉक्स ही बनाते हैं, अगर मैम जो होस्ट है मुझे थोड़ा अलाउ करे तो मैं थोड़ा पिक्चर शो कर देना चाहता हूँ जो अभी हम लोग बनाते हैं. अभी क्या स्क्रीन शेयर अलाउड नहीं है क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर अलाउड नहीं है. एक मिनट मैं करवा देता हूँ, ठीक है? पेटेंट है और इसी के लिए हम लोग को राष्ट्रपति से भी ये मिल चुका है, तो ये सारा ये है कि आप 1000 डिग्री प्लस पे वो प्लास्टिक गलता नहीं है जो भी पेवर ब्लॉक्स होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके ही होता है. और जितने भी आपको पेवर ब्लॉक जो रोड के किनारे जो दिखते हैं जो कंक्रीट से बने होते हैं उनका वेट लगभग 5 kg-6 kg का आता है, जिसके इसका वेट 30% रिड्यूस हो जाता है, और साथ में जो स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल, क्योंकि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो ये सारे जो टेस्टिंग होते हैं जो कि जादवपुर IIT खड़गपुर से और NABL लैब से पास कराया हुआ है, टेस्ट कराया हुआ है, तो स्ट्रेंथ और बाकी जितने करेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, इसका सब में 30-35% ज्यादा है और बनाने की कॉस्टिंग भी बहुत कम है. तो फिर आप एजुकेट करते हैं सबको इस बारे में? जी मैम, एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सबको बताता हूँ, मैं शायद 100 लोगों को बताता हूँ तो उसमें 99 लोग साफ़सी देके जाते हैं, वाओ ग्रेट, इस अमेजिंग प्रोडक्ट, मैंने कभी देखा नहीं था, पर उसमें से लेने वाले मैम एक ही होते हैं. तो ये भी कोई बुरी बात नहीं इनिशियल फेज पे, क्योंकि जब मैं KMDA के पास पहला ऑफर लेकर गया था तो शायद KMDA ने 3-4 बार रिजेक्ट करने के बाद इस बार इसने अपना ये दिया, जिसको हम लोग लगभग 70,000 पेवर ब्लॉक्स का हम लोगों ने ऑर्डर कम्प्लीट कर रहा हूँ. दुमजूर में उनका जो पूरा ये बन रहा है रोड के किनारे वाला, तो उन्हीं का हम लोग बना रहे हैं. एक्चुअली अगर आपने शेयर अलाउ कीजिएगा तो मैं दिखाऊंगा. अच्छा हो गया मैम, मैं आपको अपना अलाउ कर दिखाता हूँ अभी जो हम लोग लगाए हैं. गैलरी मैम, ये देख रहे हैं आपको पिक्चर में? कैन यू सी दिस पिक्चर? यस मैम, ये सारा जो बना हुआ वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये जो लग रहा था तो ये हम लोग बनाने के बाद बाहर में रखना पड़ता है, मतलब आधे घंटे में इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं मोल्ड से, तो ये बाहर में सूखने के लिए रखा हुआ है. ये सारा उसी का पिक्चर है सर. और मैं एक दो और पिक्चर दिखाता हूँ जहाँ हम लोगों ने लगाया है. रेड कलर कैसे लाते हैं? मतलब कलर है ये, कलर करते क्योंकि इनका था ग्रे कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए था. अभी जो रेड ग्रे कलर का उसका मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ. वेट अ मिनट मैम, ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइल्स जैसा लगता है. लग रहा है ना मैम? पेवमेंट. हाँ मैम, इसका वेट जो होता है नॉर्मल जो होते हैं इस पर लगभग 200 टन से ऊपर कैपेसिटी होती है इसके सहने की. मैंने अभी जहाँ लगाया था ये देखिए मैम, नहीं ये मेरा नहीं है, ये कहाँ गया? गैलरी 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 फोटो. लगभग प्लास्टिक यूज किया है अभी 2 महीना के अंदर, क्योंकि 2 महीना ही हुआ अभी इसको शुरू किए हुए फैक्ट्री में प्रोडक्शन.
इसका कहाँ गया पिक्चर में दिखा रहा हूँ ये कहाँ से पिक्चर आ रहा आपने म्यूनिसिपैलिटीज में ट्राई किया क्या मतलब वो जैसे रोड के साइड में पेवमेंट्स बनाते हैं तो अगर वो आपके प्रोडक्ट्स ले पाए तो किसी सिटी में रोड के किनारे आप बेच सकते हैं सर रोड के किनारे सर बेचने के लिए हम लोग तो ऐसे नहीं किए पर हाँ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को हम लोगों ने अप्रोच किया था तो जिसमें अभी एक गवर्नमेंट ने राजी हुआ और एक हमारे क्लाइंट है न्यू अलीपुर में उनका जो लगा हुआ है मैं उन्हीं का पिक्चर खोज रहा हूँ बार बार मुझे दूसरा पिक्चर दिख रहा है जिन्होंने जिनके पास हम लोगों ने लगाया है मैं वही खोज रहा हूँ चलो कोई बात नहीं पिक्चर तो दिखाते रहोगे हाँ ये वाला सर ये वाला ट्रस्ट कर रहा है सर देखिए ये वाला जो हम लोग लगाया है उनका सर तो इसकी लाइफ कितनी है मैम क्या कहता है इसका जो लाइफ है कहाँ गया इसको रिमूव करना है मैम इसका जो ये है ये वेट है मैम 120 टन से ऊपर सहने की कैपेसिटी है मैम इसमें 120 टन प्लस श्योर तो तुम्हें ऑर्डर तो मिल रहे हैं ना ऑर्डर मिल रहे हैं लेकिन मैं वो पूछना चाहता हूँ सर मतलब आपको सर पता है सर 3 साल हो चुका है शायद हम लोग जब मिले थे तो इतने साल करने के बाद तब जाके एक ऑर्डर कंप्लीट किए तो ये चीज हम नहीं चाहते सर और भी लोगों को फेस करना पड़े बट अनफॉर्चुनेटली सभी को फेस करना पड़ेगा ये स्ट्रगल देखिये मैम जैसे हम लोग बना बना के ऐसे ये रखते हैं यहाँ पे और जो खास वास नहीं उगती मतलब जैसे जो ऑर्डिनरी हम सीमेंट कंक्रीट के टाइल्स जो बनाते हैं उसमें बीच बीच में घास उग जा रही है लाइक जो बाउंड्री होती है एक एक टाइल की इन पे घास वास नहीं उगती नहीं मैम और इसका मैम सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि नॉर्मली इन लोग जो होता है कि स्ट्रेन पड़ने के बाद ये जल्दी ब्रेक कर जाता है ये ब्रेक नहीं होता है ड्यू टू द वेस्ट प्लास्टिक इसमें डालने के कारण जो मैम हम लोग जो प्लास्टिक डालते हैं मैं उसका एक बार पिक्चर दिखाता हूँ जो हम लोग जो मिक्सिंग करते हैं इनर नीटिंग का मैं दिखाता हूँ होगा मेरे पास उसका पिक्चर मेरा फैक्ट्री जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं लाइक 50 डिग्री तो वहां पे ये मतलब मोल्ड नहीं हो जाता शेप चेंज नहीं होता क्या नहीं सर 2000 डिग्री सेल्सियस तक कुछ नहीं होता है सर 2000 सुपर टेंपरेचर है कहीं अर्थ पे क्या 1000 डिग्री सेल्सियस और 2000 डिग्री प्लस सेल्सियस ये कैपेबल होता है आदमी 100 डिग्री में खत्म हो जाता है तो 1000 था सर मिक्सिंग का सर वीडियो कहां गया ठीक है एक्चुअली मैं पूरा रेडी नहीं था अभी सर नहीं इसका एक्चुअली रंजन कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली तुम्हारा था नहीं आज तो मैंने पूछ लिया यू कैन यू नो शो दिस या सॉरी सॉरी मैनहोल अच्छा आप मैनहोल भी बनाते ये सर इसके लिए बन रहा है हम लोग एसीसी का मरका मारकर क्योंकि एसीसी पास ले गए थे तो मैं इसका ये दिखाता हूँ ये जा रहा है मैम इनके पास कलकत्ता में जो मेट्रो बन रही है एयरपोर्ट में वहां पे इसमें मैं ये कवर ब्लॉक बोला जाता है ये कवर ब्लॉक की ओर काम किया जा रहा है सर ये ऑर्डर मिल चुका है तुम्हें या मिलेगा ये ऑर्डर मिला है 2400 पीस का सप्लाई करना है इसका जो हम लोग का स्टैकिंग किया उसका भी मैं पिक्चर देता हूं आपको मैंने एक्चुअली आज मीटिंग मेरा था नहीं तो मैंने पूरा अच्छे को सबको गैदर नहीं कोई बात नहीं आई कैन डू इट आई मीन आज तो एक्चुअली नंदन का ही था बट सॉरी नंदन ग्लिच हो गया तो इसलिए तुम्हें बाकी लोग से थोड़ा पूछने लगे हैं बट आई थिंक वी हैव चंद्रकांत नाउ तो रंजन तुम्हारा ना अगले रंजन तो ऐसा करते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नेक्स्ट वीक का फिक्स करते हैं पूरा दिखा देना और तुम्हारे पे बात करेंगे आज के लिए सर आवाज आ रही है क्या क्लियर आ रही चंद्रकांत मेरी आवाज क्लियर आ रही है हाँ अभी तुम्हारी भी आ रही है फाइनली तुम्हारी भी आ गई आवाज ओके सर सर मैं स्क्रीन शेयर करूं करो ओके सर मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या प्लीज प्लीज सर ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नहीं है
ऑप्शन फोन से हो गया लैपटॉप चंद्रकांत यू कैन सी द ऑप्शन आई थिंक प्रीति मेड ऑप्शन यू हैव अलाउड राइट या या चंद्रकांत यू कैन शो मे बी और नंदन यू कैन वर्बली आल्सो एक्सप्लेन बहुत सारे जगह ये सब ग्लिचेस होते रहेंगे कुछ रीजन से जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन वर्बली आल्सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं नंदन प्रेजेंट कर दो ओके ओके सर होस्ट वन गुड इवनिंग एवरीवन अटेंडेंट स्क्रीन सर होस्ट जो है ना वो अलाउड नहीं किया डिजेबल है डिजेबल प्रीति कैन यू चेक क्विकली इफ यू हैव आई मीन ये करवा आई हैव चेक्ड यू हैव चेक्ड सर आई हैव चेक्ड यस सर ओके रंजन ने भी किया ना शेयर आई डोंट नो व्हाई यू कैन नॉट शेयर नेवर माइंड फॉरगेट दिस शेयर हो जा रहा है शेयर आप कीजिए तो शेयर के पीक पे शायद दिखा देगा रंजन आप देखिए तो अभी तो चंद्रकांत यू आल्सो कैन क्या कमल में शेयर बटन अवेलेबल हो रहा है लैपटॉप पे या जैसे भी आई यू आर म्यूटेड आई कैन शेयर आई कैन सी दैट ग्रीन या या सो देयर इज अ ग्रीन बटन सर ग्रीन बटन तो शेयर वाला दिख रहा है बट उस पे जब क्लिक कर रहे हैं ना तो होस्ट डिजेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता हूं चैट में आप एक स्क्रीन सेलेक्ट कर कीजिए स्क्रीन सेलेक्ट नहीं हो रहा स्क्रीन सेलेक्ट करके शेयर कर पाएंगे आप ट्राई करिए नहीं अदर पीपल नॉट डोंट ट्राई टू शेयर एवरीवन अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा One नहीं तो नंदन यू आल्सो कैन नॉट शेयर ऐसे कैसे हो गया नो सर कुछ मे बी वापस ज्वाइन करके देखिए तो हो गया आई थिंक वापस ज्वाइन हां मे बी दैट कैन बी यू कैन लीव ओनली द ब्रेकआउट रूम लेट मी मेक यू द कोहोस्ट देन हां जस्ट मेक देम कोहोस्ट एक बार ब्रेकआउट रूम आ जाए हो गया शेयर कौन किसने शेयर किया नहीं नहीं कमल मैम ने शेयर किया हां ठीक है सर मैं ब्रेकआउट रूम को लीव करके अब से रिजाइन करते हैं बस मेन रूम में जाओ ना वहां से एक्चुअली काम करते हैं प्रीति मे बी यू कैन यू नो जस्ट एंड द ब्रेकआउट रूम लेट्स डू द सेशन इन द मेन रूम ओनली ब्रेकआउट रूम आई थिंक कुछ इशू आ रहा है आज तुरंत हम लोग यू नो वी कैन अगर कुछ है तो आप मुझे मेल कर दीजिए आई कैन शेयर ऑन द स्क्रीन अगर मतलब कुछ मेल हो जाएगा हेलो सर यू नो जस्ट सर हां बोलो बोलो मैं आपको पीपीटी सेंड कर दिया हूं हां अच्छा चलो चलो ठीक है मैं आपको पीपीटी सेंड कर दिया लीव द ब्रेकआउट रूम अभी जो ऑप्शन है इसके बाद भी नहीं होगा तो आई विल शेयर ओके लीव द ब्रेकआउट रूम प्लीज अभी तो सर मेरा होने लगा हां बस ठीक है ठीक है एनीवे आई थिंक ब्रेकआउट रूम का कुछ इशू हो गया बट फॉर ब्रेकआउट रूम हमने सिक्योरिटी रीजन से बनाया है बट आई थिंक सबका सिक्योरिटी चेक हो चुका है तो वी कैन डू इट हियर इटसेल्फ मोबाइल को ना हॉरिजॉन्टल रख दो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा और आई कैन आल्सो करेक्ट ऐसे ना दिस इज अ क्विक हैक फॉर एवरीवन ठीक है जो भी जूम से प्रेजेंट कर रहे हैं मोबाइल से हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो इट्स प्रीटी मच फुल स्क्रीन लाइक लैपटॉप यस प्लीज हाँ प्लीज नंदन चंद्रकांत सर मैं एक मिनट में लैपटॉप से कनेक्ट कर लूं क्या फोन से दिक्कत हो रहा कर लो चलो तब तक वर्बली थोड़ा सा बता दो ना मैं बता देता हूं सर
सर मैं चंद्र कांत तिवारी और हम लोग को मजदूर मेरा नाम से को फाउंडर है. एक्चुअली मजदूर मेरा नाम जो है उसका मेन मोटो यही है कि जो आप लोग देखते होंगे कि हर गली चौराहे पे कुछ मजदूर लोग खड़े रहते हैं जो कि डेली उन लोगों को काम नहीं मिल पाता. और एक साइड क्या होता है कि कितने घर हैं जो मजदूर की कमी से बन नहीं पाते. तो होता क्या है उसमें कि एक तरफ मजदूर की कमी हुई और दूसरे तरफ मजदूर को काम भी नहीं मिल पा रहा. और जितने ये लोग मजदूर हैं इन लोग को मैक्सिमम जो खड़े रह पाते हैं वहां पे मैक्सिमम उनको काम भी मिल पाता है तो 10 से 12 दिन मतलब मिल पाता है. जैसा कि हम लोग सर्वे किए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा हम और नंदन गए थे, हम लोग सर्वे किए हैं. तो उसके बाद जो मजदूर हमारे यहाँ पे आते हैं मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर. ठीक है पहले स्लाइड पे हम सेकंड स्लाइड पे. हेलो हाँ बोलो बोलो. सर जैसा कि आप देख कि लिखो कंस्ट्रक्ट तो सर देख जब हम लोग जाते हैं कि एक मजदूर खड़े रहते हैं दूसरी तरफ देखते हैं कि वो मजदूर के बिना काम रुका पड़ा होता है जिस वजह से हो मजदूर ना मिल पा रहा हो या फिर खोजने में दिक्कत आ रही हो. सर उसी के लिए जो हम लोग सॉल्यूशन लाए सर देखिए हम लोग का एक मजदूर कार्ड है जो हम मजदूरों को प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग मजदूर को हैं तो पहले क्या करते हैं उनको मजदूर मेरा नाम के बारे में आते हैं कि क्यों आप लोग ऐसे हिल. तो सर देख रहे हैं कि हमसे मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई साथ हम लोग का कि मेरा नाम आपको क्या क्या देता है आपका स्थान हो रहा है. सर नाम के बारे में उन लोग को दूसरे दिन हम लोग जाके उन लोग फॉर्म के बारे में समझाते हैं. फॉर्म हम लोग देते हैं फॉर्म भर के लाना होता है तो फॉर्म पे क्या क्या होता है पिन कोड वगैरह एरिया का और कैसे कैसे उनको काम करना वो चीज जाके समझाते हैं. एंड थर्ड लोग देख रहे हैं कि डाटा वेरिफिकेशन कर रहे हैं जैसा कि हमारे कुछ लोग जाते हैं और फिर उनका वगैरह डाटा वेरीफाई करके लेते हैं. नेक्स्ट Yes. Problem है ये कि आपका business model क्या है? मतलब ये this is a non-profit or it is for profit? चंद्रकांत you are there? इसका ये मैम पूछ रही है कि ये प्रॉफिटेबल वेंचर है या एनजीओ है. आज तो लगता है रिकॉर्ड टूट जाएगा टेक्निकल ग्लिच का. Somebody is narrating the ID to someone. सर मैं अभी अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ तो प्लीज आप वहाँ पे उसको लॉक ये कर. हाँ हाँ अभी आवाज आएगा. सो फॉर फ्यूचर ना प्रेजेंटेशन के लिए लैपटॉप इज द बेस्ट. फोन तो ठीक है काम चलाओ चीज़ है लैपटॉप ऑप्टिमम थोड़ा सा बेटर होता है ज़्यादा फंक्शनलिटी है. दीज थिंग्स वर मेड फॉर लैपटॉप इनिशियली आई थिंक लेटर दे माइग्रेटेड टू और क्रिएटेड अ रेप्लिका फॉर फोन ऑल्सो. सर अभी आवाज जा रही है? जा रही है अभी ठीक हो. बोला ना मैंने जो मैंने बोला वो अब सत्य हो गया ना.
अभी अभी कोई दिक्कत नहीं होगा प्लीज। चंद्रकांत यू विल प्रेजेंट अभी सर। तो मैम क्या पूछ रही थी, सॉरी नहीं सुन पाया। ये फॉर प्रॉफिट है या नॉट फॉर प्रॉफिट है सर? ऑब्वियसली मतलब कोई एनजीओ तो सिर्फ है नहीं, बट इसके थ्रू हम लोग का जो जो बिजनेस मॉडल है जो प्रॉफिट का है वो हम डायरेक्ट मजदूरों से चार्ज नहीं करते, बिकॉज हम लोग का एक भी ये भी मोटो था कि हम लोग को मतलब बीच में से कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी मजदूर मिलते हैं ना तो उन मजदूरों को काम करवाने दिलवाने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पहले रुपया ले रहा था, 15 रुपया 20 रुपया या 50 रुपये तक का उन लोग का मार्जिन था। तो हम लोग को बीच से इन्हीं को खत्म कर देना था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उन लोग को, ताकि वो लोग यूज नहीं कर पाए। और उसके बाद कि 20 रुपया 15 रुपया मिलने के बाद वो लोग उनके बाद भी उन लोग का मतलब 15 दिन या 20 दिन काम किए ना तो 1-2 दिन का पैसा रख लेते थे। तो अगर हम उनमें से उनका मार्जिन से लेते तो हम लोग भी तो उस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर ही थे। तो हम लोग एक बबल सिस्टम बनाए हैं जिसके थ्रू हम लोग ये करते हैं। हेलो विशाल सर। यस यस आई वेंट टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड हो गया। तो आप कॉन्ट्रैक्टर तो फिर ये आप लेबर सिर्फ अपने एरिया या अपने स्टेट के लिए करते हैं या फिर बाहर के स्टेट्स के लिए भी? तो मैम अभी हम लोग तो अभी हम लोग सिर्फ मतलब पटना और पटना के तीन एरिया है, पटना दानापुर और बीटा, अभी हम तीन जगह पे हम लोग ये कर रहे हैं, अभी इसको रन कर रहे हैं। बट इसको नेक्स्ट मूव में हम लोग अलग अलग स्टेट में ले जाने के मतलब हम लोग की प्लानिंग चल रही है। अभी हम लोग नेक्स्ट मूव जैसे हम लोग रांची में अभी सर्वे हुई थी और फिर कोलकाता में भी हम लोग का है प्लानिंग, तो अभी हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करेंगे। ओके ये स्लाइड का कुछ बोलना है या नेक्स्ट स्लाइड? सर ये यूजर प्रोसेस है जो आप स्लाइड किए हैं, इसमें जैसे कि एक्चुअली होता क्या है कि जो मजदूर होते हैं वो तो ज्यादा ऐप मतलब हम लोग ये भी यही मान के चलते हैं कि जितने मजदूर हैं वो एक जो फीचर फोन होता है सिर्फ वो फीचर फोन यूज करते हैं, बिकॉज सब तो लोकेशन वाला कर नहीं सकते ना। तो हम लोग ये जो वेबसाइट होता है हम लोग यूजर के व्यू से ही बनाए हैं, या हमारा जो ऐप आएगा वो सिर्फ यूजर के मोटिव से आएगा। तो इसमें होता क्या है कि पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मतलब कितना रिक्वायर्ड कौन से लोकेशन पे कितना मजदूर आपको चाहिए। आपको जैसे सॉल्टलेक सेक्टर 5 में आपका वसंत विला है या जो भी बिल्डिंग है उसमें इतने मजदूर चाहिए आपको, या उसके आप चारों तरफ का एरिया दे देंगे। अभी आपका अगर ये बना नहीं है घर तो चारों तरफ का एरिया दे देंगे इस लोकेशन पे ताकि वहां पे मजदूर पहुंच पाए। उसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट पेमेंट तो वहीं पे कंफर्म मतलब पेमेंट और ये वहां पे ले लिया जाता है, और जब लेबर हम इस पे आ जाता है जाने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग उसमें से यूजर से एक्सपेक्ट करते हैं फीडबैक का, ताकि हम अगला बार अपना जो भी हो उसको हम लोग क्लियर कर पाए। किसी को बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं कि हमारा यहाँ पे कमी रह गया है, घर बन रहा है, घर तो डेली सब बनाते नहीं, तो यही दिक्कत होता है, तो इसलिए हम लोग फीडबैक का सिस्टम रखे हैं। ओके ठीक है। आप लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्टर भेजते हैं, मतलब जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 20-50 लेबर रखते हैं, इस तरह से करते हैं या लेबर लूज लेबर? सर मैम एक्चुअली हम लोग कॉन्ट्रैक्टर नहीं है हमारे यहाँ, हम लोग जो भी हमारे मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर में आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो जो भी होते हैं हमारे यहाँ जो भी होते हैं मजदूर मित्र होते हैं। तो हम लोग का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, एक कोई भी मजदूर है अगर उसके पास 20 से 50 मजदूर हैं, ठीक है, तो मजदूर मित्र उनको हम लोग बोलते हैं, उनके अंडर में 50 मजदूर है। तो उनका काम क्या होता है कि उनका काम होता है कि कुछ मजदूरों को जितने भी मजदूर है, मान लीजिए एक मजदूर है जिसके अंडर में 100 लेबर है, उसको हम लोग 10 रुपया चार्ज कर दे रहे हैं
पर मजदूर करके, 1000 तो दिन का ऐसे ही कमा रहा है, उसमें उसको करना क्या होता है कि वर्क लोकेशन तक पहुंचा के वहां से उसको, मतलब जब तक उसका काम पहुंच गया, अगर उसमें यूजर को कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे कंप्लेन आती है कि मेरा घर बनाया ही नहीं या जाके वहां पे काम नहीं किया, तो वहां पे जाके मजदूर, वहां सॉरी जो हमारे मजदूर मित्र होते हैं वहां पे जाके क्लियर कर देते हैं, तो इतना हमारे मजदूर मित्र का काम होता है। आप यही पूछ रही थी शायद? ठीक है, तो आगे उसे नेक्स्ट स्लाइड खत्म कर लेते हैं इसको। रेवेन्यू फ्रॉम इनलिस्टिंग लेबर, सर ये इनलिस्टिंग है मजदूरों का, ये लॉन्ग रन पे हम लोग का एक क्वार्टर का हम लोग का मतलब ये प्रॉफिट था। ठीक है, तो जैसे 12 सिटीज है, ठीक है, और एक मजदूर मित्र मंथली टारगेट करता है कि मजदूर ऐड करने का, 80 मजदूर करता है, 3 महीना में अगर वो करता है तो ये जो 11,000 कुछ रुपया है, इसको हमको दिख नहीं रहा वीडियो बटन, ग्यारह हजार 520 मजदूर को ऐड कर पाएगा एक इसमें, वहां पाएगा ना एक क्वार्टर में ऐड कर पाएगा, तो सर वही हम लोग क्वार्टरली इसको ये मतलब डिफाइन किए हैं। ओके सर, लॉन्ग रन पे जैसे हम लोग इनलिस्टिंग चार्ज का भी रखे थे, तो मान लीजिए कि एक मजदूर से इनलिस्टिंग का हम चार्ज करते 50 रुपीज भी करके, जैसे कि नेक्स्ट पिछला स्लाइड में था, तो वो हमारा रिवेन्यू था। जैसे अगर एक एक मजदूर मित्र से हम लोग इतना कमा सकते हैं 5,76,000 रुपया, तो इनलिस्टिंग चार्ज लॉन्ग रन पे कि हम आपको इतना सर्विस दे रहे हैं, तो आप 50 रुपीज तो दे ही सकते हो रजिस्ट्रेशन चार्ज करके या जो भी करके। ये 50 एक टाइम का है, एक साल का है, एक महीने का है, कैसे है? ये क्वार्टरली है सर। क्वार्टरली, अच्छा, मतलब 200 रुपया ईयर। हाँ, 50 रुपया मतलब वन टाइम है ये, सॉरी मतलब वन टाइम है ये, बट ये डेटा क्वार्टरली हम आपको दिखे, हमको लगा शायद अभी। नहीं नहीं, तो 50 रुपए एक ही बार ले रहे हो ना, लाइक 50 रुपए मेंबरशिप फी जैसा हो गया ना। हाँ, आप एक बार आ गए फिर उसके बाद लाइफ टाइम मेंबरशिप। ठीक, हाँ 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 सर ये हम लोग वर्क का दिखाए हैं कि कितना वर्क मिल पाएगा एक डिस्ट्रिक्ट में। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में 125 नंबर ऑफ लेबर काम करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का था सर जैसा हमारा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाए थे, तो 12 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग टारगेट करते हैं, तो जैसे एक उसमें पटना में सर एक्चुअली पिन कोड पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि जैसे पटना का पिन कोड है 8001, तो उस पिन कोड में इतना एरिया आ जाता है, तो कुछ बोरिंग रोड से लेके सब आ जाता है, फिर उधर दानापुर का हो जाता है, फिर उधर बीटा का हो जाता है, तो वही सर हम लोग उन लोग को कितना काम दिलवा पाएंगे, क्या कर पाएंगे सर, उसी का हम लोग दिखाए थे नंबर ऑफ एक डिस्ट्रिक्ट में फ्यूचर प्लानिंग। हाँ, फ्यूचर। ओके, करंट स्टेटस ठीक है, और भी कुछ बचा क्या? विजन फंड का काम। सर विजन हमारा सा थोड़ा ज्यादा क्लियर था, हम लोग आगे चल के लॉन्ग रन में जैसे कि सर मान लीजिए आपको घर बनाना ही है, तो घर बनाने में मटेरियल का भी सप्लाई करना होता है, उसके बाद बहुत तरह का चीजें लगती हैं, जैसे मजदूरों को सेफ्टी के लिए कैप वगैरह ये सब करके, तो वो हर चीज का हम लोग किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल सप्लायर, जितने भी दुकान होंगे उन दुकान पे कोई छड़ लेगा, सीमेंट लेगा, इनफैक्ट गाड़ी होगी जिस गाड़ी से जाएगी आपके घर पे, तो सर वो हर चीज हम लोग उसमें रखेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मजदूर मेरा नाम के ऐप से ही, वेबसाइट से ही आप हर चीज बुक कर पाएंगे, आप कोई भी हर चीज का ब्रांडिंग है, जैसे कि आपको TMT का छड़ लेना है, आपको अल्ट्राटेक का सीमेंट लेना है, आपको अब उसके बाद लाने के लिए आपको जाना होता है, एक आदमी उसमें लग जाता है पूरा दिन उसका, तो आपको लाने के लिए जाना होता है, तो हमारे पास कुछ गाड़ियां हैं जो वो भी ऑलरेडी रहेंगी इंटीग्रेटेड हमारे प्लेटफॉर्म से, वो आपके घर तक छोड़ आएगा, उसका हम लोग ऑब्वियसली चार्ज करेंगे, ठीक है, और अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कॉन्ट्रैक्टर अभी सर इसमें है कि सिर्फ अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में घर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर साइन कर रहे हैं सर, जैसे कि हम लोग और सोचे थे कि आगे चल के हम लोग 3D मॉडल भी दिखाएंगे लोगों को,
कि आपका घर जब बनेगा इंजीनियर से लेके लेबर से लेके मटेरियल सप्लाई और मतलब पूरा घर, टाइल्स लगाने वाला अलग मिस्त्री, एक पेंट करवाना है तो डिजाइनिंग पेंट करवाना है आपको, कैसा करवाना है, ए टू जेड जितना भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होगा वो सब हमारे प्लेटफॉर्म में मिलेंगे आपको। हरी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं जस्ट सुन रहा था एक पॉइंट। एक मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक क्विक फीडबैक देता हूँ एंड अदर पीपल कैन ऐड आल्सो। विजन ना थोड़ा सा एक सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप होना चाहिए कि ना मैं कुछ मजदूरों का जीवन बदलना चाहता हूँ या कुछ कुछ थोड़ा सा वैसा। ये तुम्हारा मोर ऑफ अ सर ये मिशन है, टारगेट है, बट ये नहीं, मिशन मिशन इसको मिशन लिखो, विजन मत लिखो। कमल मैम, यू हैव एनी कमेंट हियर? अदरवाइज लगता है कि हाँ ठीक है, तो जिंदगी तो पड़ी हुई है, करते रहेंगे। नंदन जी और चंद्रकांत जी पूछ रहे थे आप लोग कलकत्ता में सर कब शुरू कर रहे हैं? अरे रंजन भैया, कलकत्ता में हम लोग अभी तो नहीं, अभी प्लानिंग देखिए, अभी तो हम लोग झारखंड को टारगेट कर रहे हैं बिकॉज वहां पे लेबर बहुत ज्यादा है और वर्क भी बहुत ज्यादा है। जो भी इमर्जिंग सिटी होती है ना, उन लोगों को ही हम लोग टारगेट करने का ज्यादा ट्राई करते हैं बिकॉज वहां पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसी को टारगेट करने का अभी तो। बट कोलकाता में हम लोग का नेक्स्ट मूव डेफिनेटली रहेगा आफ्टर झारखंड। हम लोग झारखंड को अभी टारगेट करने का देख रहे हैं, बट कलकत्ता सर आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग बहुत। हमारे लेबर भाग जा रहे हैं सर, आज आता है कल भाग जाता है, या महीने जिस दिन सप्ताह का पैसा लेता है उसका दो दिन छुट्टी कर लेता है कि भैया हो गया। एक्चुअली क्वेश्चन ना कुछ और होना चाहिए था कि ये तो टाइकॉन तक का प्रेजेंटेशन था जो एक साल पहले हुआ, लास्ट के 12 महीने तो सारे चीज तहस नहस हो गए। सो हाउ डिड यू मैनेज और अब का क्या नया प्लान है या क्या कंटिंजेंसी प्लान है? सर ये एक तरह से हम लोग के लिए उतना भी अच्छा तो नहीं रहा, बट सही रहा लॉकडाउन में। लॉकडाउन में हम लोग को हुआ क्या कि हम लोग स्टार्टिंग में जब किए तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। मेन प्रॉब्लम क्या होता था ना, एक बार का मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। बीटा में हम लोग काम दिलवाए थे, 5 लेबर थे, कुछ दो राजमिस्त्री, उसमें से कुछ तो आए, 2-3 आए। एक दानापुर से ट्रेन आती है सुबह सुबह तो उसपे आ जाते थे वो लोग। तो उसपे हुआ क्या कि सुबह में जैसे जब कोई भी मजदूर काम होता है तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग उनको बोलते हैं कि भैया आप काम करना चाहेंगे नेक्स्ट डे, तो वो बोलेगा कि हाँ। उसके बाद अरे यार इंटरनेट कनेक्शन ठीक है, नेक्स्ट हेलो हाँ। तो उसके बाद क्या होता है, आवाज जा रही है ना सर? तो उसके बाद क्या होता है कि उनके बाद हम लोग उनको रिमाइंडर मैसेजेस भेजते हैं। जब उनको आने के 3 मैसेज होते हैं, अगर वो कंफर्म करते हैं तभी उनको हम ये करते हैं कि रात में कि भैया आप आ रहे हैं ना या सुबह में आ रहे हैं ना, तो वैसे करके हर चीज हुआ। और सुबह में हमसे पर्सनली बात हुई तो वो बोले कि हाँ हाँ हम आ रहे हैं, सर आप आ रहे हो ना, तो आ रहे हैं अब, तो बोला कि अभी मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ। तो हम लोग को लगा कि वो चले ही जाएंगे। फिर यूजर उधर से कॉल कर रहा कि भैया आप तो इतना मजदूर बोले थे, आए ही नहीं। ठीक है, हम लोग को हुआ भाई कहाँ से इतना शॉर्ट नोटिस पे मजदूर दें। तो ऐसे करके हम लोग कहीं से अरेंज तो किए उस टाइम मजदूर। तो ऐसे करके हम लोग इसमें ये प्रॉब्लम देखे कि अभी ट्रस्ट इशू है इन लोगों के साथ। इन लोगों को अभी एक स्टार्टअप बोल के इन लोगों को उतना है नहीं कि हमको लाइफ लॉन्ग काम दिलवा पाएगा बिकॉज बीच में कॉन्ट्रैक्टर मिल गया था। उससे हम बात किए कि अब क्यों नहीं आए, तो बोले कि मुझे बीच में मिल गए थे, हमको बगल में ही काम मिल गया तो हम चले गए। तो हम लोग को लगा कि नहीं यहाँ पे हम लोग का मॉडल चेंज करना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए उन लोगों को कोरोना में हम लोगों से थोड़ा सा ये हुआ कि उन लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। हम लोग उन लोगों के लिए ग्रोसरी दिए, ठीक है कि बिकॉज आप हमारे लिए काम करते हैं इसलिए आपका केयर करना हमारी फर्ज बनती है। तो कोरोना में हम लोग उन लोगों को जैसे ही ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम हम लोग ग्रोसरी कुछ घरों में 5-5 किलो चावल दाल करके और अपने ये बना के मजदूर मित्र जो थे हमारे कि जो नीडी पीपल थे उन लोगों तक हम लोग पहुंचाने का मैक्सिमम कोशिश किए। तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि इसलिए कि हर बड़ी बड़ी एमएनसी भी नहीं केयर कर रही थी अपनी एम्प्लॉय का।
बट एक छोटी कंपनी बोलिए स्टार्टअप बोल के किया इतना, तो यही हम लोग को फायदा हुआ। इस तरह से करके ट्रस्ट बिल्ड हुआ, तो उस टाइम जो हमारे मजदूर जुड़े वो अभी तक ऐसा केस नहीं देखने को मिला कि वो बोल के नहीं आया, ठीक है, आ ही जाते हैं, उनको लगता है। बिकॉज अभी हम लोग उन लोगों को बताते हैं कि अगर आप 180 डेज हमारे साथ काम करते हैं तो उसके बाद हम आपको इतना इंक्रीमेंट देंगे। उन लोग का जैसे 2 लाख का हम लोग रखे हैं ये सॉरी इंश्योरेंस, तो हम लोग 2 लाख का एक्सीडेंटियल आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये सब चीजें थी, तो उन लोग को लगा कि नहीं अब हमको मिल सकता है, नहीं तो ऐवे ही आके कोई बोल देगा 180 डेज, मतलब सोचेगा ना, आके बोल के चला जाएगा। और एक और चीज था कि और जो भी कॉन्ट्रेक्टर है उन कॉन्ट्रेक्टर से हम लोग ज्यादा ही उन लोगों को पे करते हैं, ठीक है, तो ड्रिंक्स पहुंचाते तो बिल्कुल ही लॉयल हो जाते। क्या मैम थोड़ा सा ड्रिंक्स पहुंचाते तो और भी लॉयल हो जाते। नहीं नहीं तो बैन है ना वो तो लॉयल हो जाते हाँ, इनका स्टार्टअप बंद हो जाता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बैन तो पूरा नहीं है क्योंकि मैं तो बिहार में अलाउड नहीं है, बिहार में अलाउड नहीं है, तो ऑफिशियली अलाउड नहीं है, ऑफिशियली अलाउड नहीं है। मेरा फ्रेंड भी यहां से जमुई का है, जमुई आई थिंक, मेरे को तो उसी से पता चला जमुई भी एक जगह है, तो बोलता है कि अंदर अंदर सब चलता है, थोड़ा महंगा मिलेगा पर सब मिलेगा। हाँ मिल तो रहा है बट हम लोग जब ऑफिशियली देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग जेल के अंदर होंगे। हाँ वो बात सही है। करेक्ट करेक्ट। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन कमेंट प्लीज। आई थिंक एक बहुत सिंपल 50 रुपए का मेंबरशिप मॉडल जैसा मुझे दिख रहा है, आई थिंक इसको थोड़ा सा पीपीटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया तुम लोगों ने, आई गेस इसको और सिंपल वे में बोल सकते हो ना कि काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान या मेंबरशिप प्लान। एक्चुअली ना भैया पीपीटी हम लोग अभी चेंज नहीं किए टाइगन के बाद, बिकॉज कहीं पे हम लोग प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, और हम लोग को लगा कि जैसे पीपीटी और टेक पे हम लोग उतना फोकस नहीं करते बिकॉज हमारे जो मजदूर है उनको क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मजदूर है क्या है, ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लोग कोलकाता से ये था, तो अभी जस्ट हम लोग का ये सनंदा मैगजीन में भी आया, एक तो ये हम लोग को कांटेक्ट किए थे, अभी उनका क्या था हम लोग को सनंदा में, मैं बंगाली में पूरा पढ़ नहीं पाया बट गूगल लेंस करके किया, तो उन भी हम लोग को मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत न्यूज पेपर्स में आया, तो उससे भी लोग जुड़े, उनको लगा कि मतलब है ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो इसके बाद और ये जो सोनू सूद वाला कांड ये हुआ सोनू सूद, तो उससे लगा कि नहीं ऐसा भी होता है, तो ये भी हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी ही रहा, मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं खत्म हुई, हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। जो सोनू, आई थिंक अभी थोड़ा सा ज्योग्राफी चेंज हो जाएगा बहुत सारे लोकेशन का, कि मजदूर अभी बहुत सारे घर आ गए हैं या जो भी अपना ओरिजिनल लोकेशन चेंज कर लिया है। हम लोग जिस एरिया में थे पटना दानापुर और बीटा, उसमें ऐसा ही हुआ, मजदूर ज्यादा आ गए, मतलब हम लोग को क्राइसिस नहीं हुआ, हम लोग उस टाइम कॉन्टेक्ट किए फ्यूचर ग्रुप से, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनसे मैं कॉन्टेक्ट किया और मैं बोला कि सर आप जो आपको तो काम पड़ती ही होगी मजदूरों की, तो बोल रहे हाँ सर मुझे तो मिल नहीं रही है, आप कैसे भी करके दिलवा दो, प्रीमियम चार्ज कर लो हमसे बट मुझे मजदूर दिलवाओ। हम बोले कि ठीक है सर हमको कोई प्रीमियम चार्ज करने की जरूरत नहीं है, हम आपको मजदूर देंगे, बस इतना हम आपसे इंश्योरेंस चाहते हैं कि आप उनका पैसा जो है ऑन टाइम देंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ मजदूर में से उन लोगों में से ही बात की है कि आप काम करना चाहते हैं इसमें, तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस थी उनको ये पीपीई किट पहना के मास्क वगैरह ये सब करके, तो जो लोकल मजदूर थे जब एकदम बढ़िया से अनलॉक नहीं हुआ था अप्रैल मई में, उस टाइम भी हम लोग उन लोगों को काम दिलवाए। अब क्या होता था कि वो मजदूर है उनको ढोना आता है, इतना ही आता है उन लोगों को, बट उनको हर जगह काम तो नहीं ढूंढना आता ना, नहीं तो बीच में कॉन्ट्रेक्टर का गेम ही नहीं रहता। तो हम लोग उस टाइम जैसे कि पैकिंग होता था बिग बाजार में, जो कि होम डिलीवरी करना बाद में बिग बाजार स्टार्ट किया, पैकिंग होता था सामान का लोडिंग अनलोडिंग, उस टाइम सबको प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन लोगों उसमें भी हम लोग बहुत काम दिलवाए। तो ऐसे करके हम लोग कोविड का थोड़ा सा फायदा उठा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ना वो सारे अचीवमेंट्स ना तुम्हें लिखने चाहिए कहीं, जो अभी आई थिंक जैसे तुमने बोला कि टाइम नहीं मिला या जो भी है प्रेजेंटेशन नहीं किया, बट
ये ना माइलस्टोन्स ही तुम्हारा एक्चुअल स्टोरी है, बाकी सब तो मतलब इमेजिनरी चीजें हैं, बट जो माइलस्टोन है वो तो सच है, राइट? कमल मैम, डू यू हैव एनी कमेंट? जी हाँ बिल्कुल, और फिर मतलब आप उसको थोड़ा सा इस तरह से सोशल कॉज की भी तरह थोड़ा आप कर सकते हैं ताकि थोड़ा रिकॉग्निशन मिले, बिकॉज इट इज ड्यू, मतलब जैसे आपने लेबर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है और काफी हद तक किया भी है, तो आई थिंक वो थोड़ा आप सोशली भी प्रमोट कर सकते हैं, और बल्कि कर्नाटका में भी लेकर आइए। और कभी पेमेंट कलेक्शन में इशू हुआ क्या दोनों साइड? हाँ भैया, स्टार्टिंग में बहुत हो रहा, पीवी के चला गया। नहीं नहीं, पेमेंट कलेक्शन में स्टार्टिंग में पीवी के तो ऐसा नहीं हुआ हम लोग के साथ प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में हम लोग गए थे तो थोड़ा सा कॉल वॉल का प्रॉब्लम था, तो उतना मैनेज था, अपने लेवल से हम लोग मैनेज किए बहुत स्टार्टिंग में। फिर बाद में जब हम लोग मजदूर मित्र वाला मॉडल ऐड किए तो जिम्मा उसका हुआ। अगर आप ऑलरेडी पेड कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऑलरेडी पेड नहीं किए, आपको कैश में पेमेंट करना है या अभी कितने यूजर्स होते हैं उनको ट्रस्ट नहीं होता कि हम दे मजदूर आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा कैसे नहीं करेगा, तो वो मजदूर मित्र जो हमारे होते हैं उनका जिम्मा ये है, उनका उनको यही अलॉटमेंट है काम का, कि आप वहां पर पहुंचाएंगे, मजदूर को देखेंगे कैसा काम किया है, आप कितना पैसा है उसका, उनपे मैसेज चली जाती है, वो बिल जनरेट होके वहां से उतना पैसा कलेक्ट करके आपको मिला उतना, तो हाँ मिला, ऐसे करके वहां से आ गए, फिर देखते हैं नेक्स्ट डे। नहीं तो कहीं कहीं पे एक एक वीक का होता है मॉडल, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, जैसे यू आदमी है घर बोलते हैं भाई सर पैसा घर बना के पैसा खत्म हो गया। तो ये प्रॉब्लम हुआ तो नहीं भैया आप तो पैसा दोगे ना, तो एक एक वीक वाला मॉडल, जैसे बीटा में ऐसा ही मॉडल चलता है, तो ये सब चीजों का प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं। नहीं, एक चीज और कर सकते हो मेरे माइंड में जो आ रहा है, जैसे 50 रुपया अपफ्रंट ले रहे हो ना, एक और कर सकते हो स्कीम कि 50 की जगह 200 लेंगे या 400 लेंगे, बट लेंगे पहला काम दिलाने के बाद, मतलब उनका मजदूरी से काट लेंगे या कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो एक और ऑप्शन हो गया कि अपफ्रंट फी ना दे के आप जब काम मिले तब आप देंगे, बट ज्यादा देंगे, तो आप चुन लीजिए कौन सा स्कीम लेना है आपको। हाँ ये भैया हम लोग यही रखे हैं, यही रखे हैं। जब हम लोग गए आरपीएस मोड पे बिहटा में, सॉरी पटना में, तो वहां पे मजदूरों के साथ यही हुआ था, वो लोग बोले कि आ गए, तो वो लोग हम लोगों से बात करना नहीं चाहते थे, कुछ मजदूरों से हम लोग आए कि भैया आई हम लोग आपसे कुछ बात करनी है, तो वो लोग हम लोगों से बात नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उन लोगों के साथ हुआ क्या था कि लोग आए 50-50 रुपया लिए और सॉरी 500-500 रुपया लेके और बोले कि मजदूर कार्ड बनवाएंगे आप लोग का, और कार्ड उसी नाम पे लेके चले गए, तो वो मजदूर है सीधे होते हैं, उनको लोग यूज कर लेते हैं अच्छे से, कोई बड़ी चीज नहीं है लोगों के लिए, तो वो कर लिए उन लोगों को लेके चले गए। अब उन लोगों का के बाद क्या हुआ कि ट्रस्ट खत्म हो गया कि हमको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, तो वो लोग हम लोगों से बात ही नहीं करना चाह रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि ये तो ऐसे ही करके मतलब उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को। लेकिन हम लोग वहां पे उन लोगों को बताया कि हम लोग अभी आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, आप अपना कुछ मत दीजिए, नाम दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, और एक हम लोग फॉर्म लेके गए थे उस पे आप भर के और व्हाट्सएप कर दीजिए, जैसा आपके आप समझ लीजिएगा, कंपनी को गूगल पे देख लीजिएगा, बाकी सब कुछ न्यूज कटिंग्स थी हमारी पास, ये सब न्यूज पेपर पे लोगों को विश्वास होता है, ठीक है, तो ऐसे करके जो भी आया था आप देख लीजिए ऐसे करके, तो वो लोग उसमें से आया रजिस्ट्रेशन, वो लोग को लगा कि नहीं हमको काम मिला है, शायद ये दिलवा पाए, कुछ तो मांग नहीं रहा है, जो पे फॉर्म दे रहा है खुद ही अपना ही दे रहा है बंदा, तो इसलिए आए वहां से रजिस्ट्रेशन, तो उनमें हम लोग उस टाइम पे तो जो आप बोले कि अभी आप पैसा नहीं बाद में लो, उस टाइम ही हम लोग को लगा कि हाँ हम लोग को अभी पैसा इन लोगों से चार्ज कर ही नहीं सकते, बिकॉज एक बार में ही वो लोग आएंगे ही नहीं, तो आप उन लोगों को उनको सर्विस क्या दोगे, तो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। सही बात है, ठीक है, ऐसे तुमने तो फिगर आउट कर ही लिया फिर ये ठीक है। जैसे अगर अगर लेबर आपसे पूछती है कि अगर मतलब आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं, इनिशियल ट्रस्ट 50 रुपए भी उनके लिए एक बड़ा अमाउंट है ना, उल्टा 50 रुपए दे दो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अभी तो हो गया, पर कैसे पहले कैसे किया, जैसे आप बोलते हैं स्टार्टिंग में भी उन लोगों से अभी तक हम लोग चार्ज नहीं किए हैं कभी भी, ये हम लोग का प्लानिंग है कि अगर आप हम लोग कुछ दिन रह जाएंगे, लॉन्ग रन इसीलिए उसमें लिखे थे,
तो फिर आपने वो अमाउंट जो लिखा 11,500 वो सब वो कैसे क्या तो वही हम लोग लॉन्ग रन का दिखाए थे। अच्छा वो आपका प्लान है चार्ज करने का। चार्ज करने का अभी जो मार्जिन है जो ये है उससे हम लोग सिर्फ चार्ज करते हैं, बाकी सब चीज से चार्ज नहीं करते। जो बबल सिस्टम है हमारा ठीक है उससे हम लोग चार्ज करके और बनाते हैं कुछ एंड ऑफ कमीशन, कमीशन बोल सकते हो सिंपल वर्ड में कि अभी कमीशन लेते हैं आगे चल के अपफ्रंट फी लेंगे। हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हम लोग का ठीक है। हां क्लाइंट खुशी खुशी देगा, मतलब जो जिसके आप लगाएंगे लेबर वो खुशी खुशी देगा अगर लेबर रेगुलर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेबर की बहुत मारामारी है। हाँ, और अभी हम लोग तो मार्जिन में भी मतलब लेने के मूड में नहीं है, अभी हम लोग आप देखते हैं धीरे धीरे करके, हम लोग का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि हम लोग को लेना ना लेना, लेकिन उनको बताना जरूर कि ये इतना तुम्हारा माफ हो रहा है ताकि वो हाँ, प्राइस का ब्रांडिंग हो। अदरवाइज क्या है ना कि अगर तुमने बताया नहीं ना तो किसी को यही नहीं समझ में आएगा कि उनको जो फ्री का चीज मिली है या जैसे भी मिली है वो कितने की मिली है या आगे चल के कितना देना होगा उनको, और वो बता भी नहीं पाएंगे किसी को, तो तुम्हारे अल्टीमेटली ना वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, मतलब तुमने खर्चे भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि तुम्हारा BMW का क्या कीमत था। तो BMW दो सबको बता के दो कितने का मिल रहा है, फ्री में भी दे दिया लेकिन इतने का है, इतने का चीज़ फ्री में मिल रहा है। ये मेरा जनरल अंडरस्टैंडिंग और आई लर्न दिस हार्ड वे। चलो ओके, आई थिंक इफ एनीवन एल्स हैज एनी कमेंट क्वेश्चन वी कैन टेक लास्ट कमेंट, अदरवाइज वी कैन एंड। ऑल गुड, आवाज नहीं आ रही थी ना? नहीं नहीं आ रही थी, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच चंद्रका, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग, हैव अ गुड नाइट एंड वी विल डू दिस अगेन नेक्स्ट फ्राइडे। ओके थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you all of you.